हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी से ज़्यादा सर्विस सपोर्ट एंड कमीशन देने वाली पोर्टल डिजिटल सेवा केंद्र के बारे में। डिजिटल सेवा केंद्र में आप लोगों को बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज मिल जाती है जो कि एक सीएससी से ज़्यादा है, एंड साथ में आप लोग को हाइएस्ट कमीशन भी देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से विद इन 5 मिनट के अंदर ही आप इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। आप सभी को बता दें कि डिजिटल सेवा केंद्र एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव है। एनपीसीआई भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ पर से एपीपीएस, बीबीपीएस, एनएफटी और साथ में आईएमपीसी, इस प्रकार से बहुत सारी सर्विसेज के लिए अप्रूव किया जाता है। एंड साथ में बैंकिंग के जितने भी वर्क होते हैं वो सभी एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव किया जाता है। वैसे में आप सभी को बता दें कि डिजिटल सेवा केंद्र भी एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव है, यानी कि भारत सरकार के माध्यम से अप्रूव है, जिसे आप यहाँ पर से बिल्कुल ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर से जैसे ही आएँगे उसके बाद आप स्क्रॉल करके आएँगे तो आप सभी को यहाँ पर से 50 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर से डिजिटल सेवा केंद्र जो कि एनपीसीआई के माध्यम से अप्रूव है। कोई भी पोर्टल को आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने से पहले आप सभी को एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा अप्रूव है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपने देख लें कि जो डिजिटल सेवा केंद्र पोर्टल वो भी भारत सरकार के द्वारा अप्रूव है, यानी कि एनपीसीआई के माध्यम से। तो चलिए हम बात करते हैं कि डिजिटल सेवा केंद्र में आप लोग को कितने सारी सर्विसेज दी जाती है। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है पोर्टल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग जैसे ही आएंगे बिल एंड रिचार्ज के ऑप्शन में, तो यहाँ पर सबसे पहले बिल पेमेंट का सर्विसेज मिल जाता है। बेसिकली बिल पेमेंट में आप लोग जैसे ही आएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर से पोस्ट पेड बिल पेमेंट, लैंडलाइन और साथ में ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और साथ में गैस बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट और साथ में आप यहाँ पर से इंश्योरेंस का बिल पेमेंट कर सकते हैं। आप यहां पर से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डाटा रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। यहां पर से लोन फ्रेंचाइजी, उसके बाद आप लोग फास्टैग का सर्विसेज मिल जाता है। एंड उसके बाद यहां पर से फास्टैग, उसके बाद बी2सी सर्विसेज में एपीएस आ जाता है। मनी ट्रांसफ़र सीएसपी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड बिल और साथ में आप यहाँ पर से मिनी माइक्रो ATM, हिटैची ATM आप लोग आ जाता है, जो आप यहाँ पर से अपने सेंटर पर लगा सकते हैं डिजिटल सेवा केंद्र के थ्रू में। एंड साथ में यहाँ पर से आ जाता है प्रीपेड कार्ड एंड कैश मैनेजमेंट सर्विस, आधार पे और साथ में कैश डिपॉजिट, इतने सारे सर्विसेज आप लोग को B2C सर्विसेज में मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से आ जाता है ट्रैवलिंग सर्विसेज। ट्रैवलिंग सर्विसेज आने के बाद आप यहाँ पर से होटल बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग जो कि IRCTC ऑथराइज है और यहाँ पर से आप बुक कर सकते हैं। एंड उसके बाद बैंकिंग अकाउंट में आ जाता है, यहाँ पर से आप लोग बैंकिंग अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग का आप यहां पर से कर सकते हैं। तो यहां पर से आप लोग देख सकते हैं न्यू अकाउंट ओपनिंग का सर्विसेज आप लोग को यहां पर से मिल जाता है। तो उसके बाद आप लोग को आ जाता है G2C सर्विसेज। G2C सर्विसेज में आप जैसे ही आएंगे जहां पर से आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार सेंटर के लिए आप यहाँ पर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहाँ पर से पेन कार्ड का सर्विस, जहाँ पर से आप पेन कार्ड बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से पेन कार्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट का, जहाँ पर से आप इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ और साथ में डेथ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर से बना सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहाँ पर से GST सर्विसेज। तो यहाँ पर से आप जैसे ही आएंगे GST, तो आप यहां पर से न्यू GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं, TDS एंड साथ में आप यहां पर से कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहां पर से न्यू वोटर कार्ड आप यहां पर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वोटर कार्ड करेक्शन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट आप कर सकते हैं, पासपोर्ट लाइसेंस यानी कि यहाँ पर से फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में आप ईश्रम कार्ड और राशन कार्ड भी आप यहाँ पर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से डिजिटल सेवा केंद्र में बहुत सारी सर्विसेज को आप लोग को मिल जाता है, जो कि आप CAC सेंटर ओपन करने के जगह आप यहाँ पर से डिजिटल सेवा केंद्र भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर से जितने भी गवर्नमेंट की सर्विस है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड आप लोग को हाइस्ट कमीशन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि डिजिटल सेवा केंद्र में आप किस प्रकार से इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आप ले सकते हैं। सिंपली से यहाँ पर से आप लोग को दो ऑप्शन मिलेगा, एक लॉगिन एंड एक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाता है साइनअप का। यहाँ पर से आने के बाद आप लोग को सिंपल से इस फॉर्म को फिल करना होगा, जो कि बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जैसे कि शॉप नेम आप यहाँ पर से दे देना है। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी शॉप है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर से
अपने शॉप का नेम रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर से अपना नेम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर से फिल करेंगे, एंड उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी आप यहाँ पर से फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर से अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, एंड अपना जो भी विलेज नेम है उसे आप यहां पर से इंटर करेंगे, एंड जो भी आपका ब्लॉक है उसे आप इंटर करेंगे, अपना स्टेट का नेम देंगे एंड साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम देंगे। उसके बाद जो भी आपका शॉप का एड्रेस है उसे आप यहां पर से कंप्लीट फिल करेंगे, एंड उसके बाद आप लोग को ऑप्शन आ जाता है कि इसमें से आप स्टेट हेड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आप यहाँ पर से रिटेलर बनना चाहते हैं और साथ में आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। अगर आप लोग रिटेलर बनना चाहते हैं तो जहाँ पर से आप लोग 1499 रुपये पेमेंट करने के लिए होता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 6999 रुपये, और साथ में अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनते हैं तो यहाँ पर आप सभी को बता दें 14999 रुपये, और साथ में स्टेट हेड बनते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 29999 रुपये पेमेंट करने के लिए होता है। सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोग फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे ओपन आ जाएगा और आप लोग को आप पेमेंट करेंगे, एंड उसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से अपना यूज़र नेम और साथ में पासवर्ड आपके मोबाइल में SMS किया जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पर से इंटर करके आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद जितने भी सर्विसेज है वो सर्विसेज को आप यूज करके लोगों तक प्रोवाइड करवा सकते हैं, एंड इससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि किस प्रकार से आप डिजिटल सेवा केंद्र का आप आईडी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।